हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है अकेडमी चैनल नीट यूजी इंटेंट। इस चैनल की खासियत यह है कि विद इन 10 मिनट्स में आपको टॉपिक बताऊंगा, इवन न्यूमेरिकल के थ्रू आपके जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर करूंगा। मेरा नाम आदित्य कुमार है, मैंने बीटेक किया, मेरी ब्रांच इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो ऑलमोस्ट मैं 6+ ईयर से फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ। मैंने करियर पॉइंट कोटा पढ़ाया, आकाश इंस्टीट्यूट साउथ एक्स न्यू दिल्ली पढ़ाया। अब मैं अकेडमी फिजिक्स का एजुकेटर हूँ। अकेडमी इंडिया का लार्जेस्ट ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे मिलियंस ऑफ बच्चे जुड़े हुए हैं। यहाँ पे इंडिया के टॉप मोस्ट टीचर्स आपको मिलेंगे, तो जल्दी से सब्सक्रिप्शन लें और आज अपनी तैयारी शुरू करें। इसके लिए क्या करना है बच्चों, अकेडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है अकेडमी, ठीक है। गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे देखते हैं बच्चों फीचर्स इसके। डेली लाइव क्लासेस होती है, यहाँ पे लाइव क्लासेस डेली होगी, आपके डाउट्स पूछे जाएंगे, आपको क्या हुआ क्वेश्चन डिस्कस कर सकते हैं टीचर से। लाइव टेस्ट एंड क्विजेस होती है, लाइव टेस्ट होता है, क्विजेस होता है। स्ट्रक्चर कोर्सेस है, यहाँ पे क्या कोर्सेस क्या आपका स्ट्रक्चर्ड है, कोर्सेस आपका सिलसिलेवार ढंग से खत्म होगा, ठीक है, टाइम के साथ खत्म होगा। अनलिमिटेड एक्सेस का मतलब एक बार सब्सक्रिप्शन आपने ले लिया तो आप उसको एक्सेस कर सकते हैं, आप जितने भी रिकॉर्डेड वीडियो उसको एक्सेस कर सकते हैं। इवन आप मान लीजिए प्लस टीचर पे 20 टीचर्स है फिजिक्स के, तो आप किसी की भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। जो हमने जो नेक्स्ट टॉपिक्स जो शुरू किया था हमने, क्या है हमारा डाइपोल मोमेंट का पार्ट टू देखते हैं। जब आपका डाइपोल है जो क्या होगा इक्विटोरियल प्लेन में रहेगा तो, ठीक है। चलिए हम डिस्कस करते हैं इसके बारे में जल्दी से। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। अब मान लीजिए यहाँ पे देखिएगा चार्ज ये माइनस क्यू, ये है प्लस क्यू, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है 2a, ये हो गया मिड पॉइंट, ठीक है, हो गया मिड पॉइंट। इसके इक्वेटोरियल प्लेन मतलब आपको बोल रहा है ये, आपको फाइंड क्या करना है कि इस पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इसके इसके कारण डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन कितना होगा, माइनस से प्लस हो जाएगा, ये डाइपोल का डायरेक्शन हो गया, है ना। चलिए यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कीजिए हमें, क्योंकि यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है हमें, ठीक है। और फिर इस पॉइंट का इक्वेटोरियल प्लेन, ठीक है ना। चलिए अच्छा बताइए ये माइनस क्यू है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर, इधर, ये हो गया माइनस ई क्यू। ये प्लस है तो प्लस का किधर बच्चों, प्लस का इधर, ई प्लस क्यू, तो नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा दोनों के कारण ये हो जाएगा आपको इधर ई, है कि नहीं। चलिए तो बताइए ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस ए, ठीक है। ये डिस्टेंस क्या है यहाँ से यहाँ तक आर, ये डिस्टेंस क्या है बच्चों, यहाँ यहाँ डिस्टेंस आर, ठीक है ना। चलिए तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये भी डिस्टेंस कितना हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमें कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए क्या कर रहे हैं देखिएगा, ई रिजल्टेंट एट पॉइंट पी, ये पी, ई पी पे करना है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये थीटा है, देखिए बच्चों ये थीटा है आपका, ये एंगल थीटा, एंगल कितना है आपका, ये एंगल थीटा है ना, ये एंगल थीटा है, ये भी थीटा हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा दोनों कॉस थीटा, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो दोनों का इक्वल है ना। यहाँ पे ई प्लस क्यू का मैग्नीट्यूड इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई माइनस क्यू के कारण होगा, मैग्नीट्यूड तो सेम होगा क्योंकि देखिए चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है, डिस्टेंस सेम है, तो ये सेम होगा। जब इसका आप देखिएगा थीटा के रेस्पेक्ट में देखेंगे, ये जो थीटा है यहाँ पे आपको देखिएगा बच्चों, ये थीटा यहाँ से आपने लिया ई प्लस क्यू का क्या हो जाएगा कॉस थीटा, एक कंपोनेंट इधर और दूसरे का भी कंपोनेंट क्या हो जाएगा बच्चों, ई प्लस क्यू का कॉस थीटा इधर हो जाएगा ना। तो दोनों का हम रिजल्टेंट लेंगे तो हम इसको ऐड करेंगे ऐसे, जो ई नेट हो जाएगा बताइए क्या हो जाएगा, माइनस ई प्लस क्यू का कॉस थीटा हो जाएगा इसके कारण, और प्लस क्या ई माइनस क्यू का कॉस थीटा, ये आपका रिजल्टेंट हो जाएगा इधर दोनों का ऐड हो जाएगा, ठीक है ना। ई पी को लेंगे हम, ई पी, ई एट पॉइंट पी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो ई माइनस पी बताइए क्या ले, माइनस ई चार्ज कितना है बच्चों, ई प्लस क्यू है तो क्यू बाई फोर पाई एप्सिल नॉट, जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस कितना है आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट है तो स्क्वायर, ये हो गया, ठीक है ना। अब कॉस थीटा, अब प्लस ये किसके लिए, माइनस के लिए, तो क्यू बाई फोर पाई एप्सिल नॉट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या कॉस थीटा, ये बच्चों क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा कि नहीं, डबल हो जाएगा। तो देखते हैं जो ई प्लस क्यू आएगा ई एट पी,
नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल ऑन इक्वेटोरियल प्लेन ईपी आ जाएगा। सो दोनों को ऐड कीजिएगा आप, इन दोनों को ऐड करना है आपको, तो कॉस थीटा कॉमन तो 2q हो जाएगा, 2k2। इसको जो कैलकुलेशन के बाद जो रिजल्ट आता है बच्चों, वो मैं आपको बता रहा हूँ, जो इसके बाद रिजल्ट आएगा कैलकुलेट कीजिएगा आप। तो इसको आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा आपको, देखिएगा मैंने करके रखा है -2q 4π ε0 आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर कितना 3/2, ठीक है, और पी ए यूनिट वेक्टर पी डाइपोल हम लेके चल रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड है ना। कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, तो कॉस थीटा ए बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर कितना 1/2 नहीं हो जाएगा। देखिए तो कॉस थीटा कैसे हो जाएगा, जल्दी से ध्यान दीजिए, कॉस थीटा निकालना है, कॉस थीटा क्या बेस बाई ए बेस है बाई हाइपोटेनस है ना, कॉस थीटा इक्वल टू क्या है, कॉस थीटा इक्वल टू ए बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ये मैंने रख दिया, ठीक है। तो ई पी जो आ जाएगा, नेट ई पी आ जाएगा, हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, टोटल -2aq पी यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा 4π ε0 आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अबाउट 3/2। अब बताइए ये डाइपोल हो गया 2aq, इसको डाइपोल के फॉर्म में हम लिख दीजिए, पी माइनस कितना 4π ε0 आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर 3/2, ये हो गया रिजल्टेंट आपका, ठीक है, इक्वेटोरियल प्लेन का रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इक्वेटोरियल प्लेन का निकल गया, मतलब इस पॉइंट पे पी इसके कारण और इसके कारण जो नेट आया आपका क्या आया, आपका आया माइनस पी 4π ε0 आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर कितना 3/2, डन यहाँ तक। चलिए अच्छा, फॉर शॉर्ट डाइपोल करिए, तो फॉर शॉर्ट डाइपोल क्या हो जाता है, जल्दी से याद कीजिए इसका प्रीवियस वीडियो, आर इज ग्रेटर ग्रेटर क्या ए, तो जो शॉर्ट डाइपोल का फॉर्मूला आ जाएगा यहाँ पर जो ई इक्विटोरियल का, ई इक्विटोरियल शॉर्ट डाइपोल के लिए क्या आ जाएगा आपको -p 4π ε0 आर क्यूब, डन हो गया ये, ठीक है। अच्छा बच्चों, अब इलेक्ट्रिक डाइपोल ड्यू टू शॉर्ट डाइपोल का एक जनरल फॉर्मूला लिखते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल देखिएगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल टू और क्या शॉर्ट डाइपोल का एक जनरल फॉर्मूला जो होगा, शॉर्ट डाइपोल का जो जनरल फॉर्मूला याद रखिएगा आप लोग, इसका हो जाएगा बच्चों KPE, जनरल फार्मूला जो हो जाएगा किसके लिए, शॉर्ट डाइपोल पहले मेंशन कर रहा हूँ, ये दोनों के लिए वैलिड होगा, इक्वेटोरियल और एक्सियल दोनों के लिए, ये किसके लिए शॉर्ट डाइपोल के लिए हो जाएगा, शॉर्ट डाइपोल के लिए हो जाएगा बच्चों, ई जनरल इक्वल टू हो जाएगा KP इक्वल टू क्या 2qa/r³ अंडर रूट क्या बच्चों 3cos² θ + 1। यहाँ देखिएगा थीटा क्या है, ध्यान से देखिएगा, ये थीटा है जो एक्सियल प्लेन का ये डिस्टेंस है, ठीक है, ये की डिस्टेंस कितना है r, यहाँ पे क्या है -q और ये क्या है +q, डन, और डायपोल का डायरेक्शन ये थीटा है, थीटा जीरो रखिए, देखिएगा आपका शॉर्ट डायपोल किसका आ जाएगा, या थीटा जैसे जीरो रखिए तो बताइए तो क्या आ जाएगा, अब इससे पहले जो शॉर्ट डायपोल पढ़े हैं ना किसके लिए आप एक्सीएल के लिए, उसका आ जाएगा थीटा 90 रखेंगे तो किसके के लिए आ जाएगा, ये आ जाएगा, देखिए थीटा 90 रखिए, देखिए ये फॉर्मूला आपको आ जाएगा, ठीक है। आपको क्या करना बच्चों, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को हिट करना है और नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। अब हम इसके आगे जो है कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे डाइपोल से रिलेटेड, ठीक है बच्चों, थैंक यू।